फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ लक्ष्मी। आज मैंने ना पुराने थे मेरे ये टॉप, बहुत दिन के बाद पहन ली मैंने। मेरा ऑलरेडी बहुत सारे टॉप ख़राब हो गए, तो मैंने सोचा आज ये टॉप पहन लेती हूँ। इसके साथ ये छोटे से मैं झुमके पहनी, हेलमेट पहनती हूँ इसलिए ख़राब हो जाता है, यानी निकल जाता है, कभी कभी टूट जाता है, इसलिए मैं नहीं पहनती। तो छोटा सा झुमका पहनी हूँ। मुझे आज खुद को थोड़ा सा ऐसे नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन काम में सब दाग लग जाता है, तो मैं पहनती नहीं है। तो आज कपड़े भी बहुत सारे ऐसे पड़ गए, तो मैंने ये पहन लिए आज, इसीलिए मैं थोड़ा लुक अलग भी दिखती होंगी। और मैं सही बोलूँ तो कलर भी कर लिए हैं मैंने कल सैटरडे था, थोड़ा सा टाइम था, तो ये सब हो गया है, कलर किया बाल को, ये आज ये टॉप निकाला, ये पहना। संडे था आराम से, इसीलिए नहीं तो बाकी का दिन तो मैं क्या पहनूँ, क्या कैसे रहूँ, वो कुछ पता ही नहीं चलता। जल्दी जल्दी करो और भागो इसे। तो घर में आई, तीसरा घर है ये, तो दो घर पे तो अच्छा अच्छा खाना बनाई थी, दाल पकवान और सैंडविच सब कुछ बना दी थी, वो इडली चटनी सांभर ये सब हो गया। और इधर इस घर में आई, मेरा सर के घर में, इधर मैंने बनाया है इधर अंडा भुर्जी और मेथी भाजी और कढ़ाई पुलाव है बनाया है। अभी मैं बनाऊंगी राइस बकरी, और जाने के टाइम आपको उसका एक क्लिप दिखा देती हूँ। तो अब से बातें कर करके मैं आज बनाऊंगी बकरी। तो बकरी के लिए यहाँ रख देती कैमरा। तो मैं अभी बना रही हूँ बकरी, राइस बकरी, राइस बकरी ना बहुत हेल्दी होते हैं। राइस का आटा बकरी सब खाना चाहिए। मैं बनाती हूँ नाचनी का, बाजरी का, ज्वारी का सब बनाती हूँ। आज बन रही है राइस बकरी, क्योंकि मेथी भाजी के साथ राइस बकरी बहुत अच्छा लगता है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है ऐसा खाने के लिए। तो आज मैं ये तीन बकरी बनाऊंगी, तीन जन के लिए, एक टाइम के लिए। बाकी तो पुलाव है, दाल बनाया है और अंडा भुर्जी, वही मेथी भाजी, वही सब बना लिया है, क्योंकि इवनिंग को नहीं आऊंगी, संडे है, संडे इवनिंग छुट्टी है मेरी हाँ, इसीलिए संडे इवनिंग छुट्टी रहता है हमेशा। कभी कभी त्योहार रहेगा तो नहीं, और बाकी का टाइम तो हमेशा संडे छुट्टी रहते। मैं नानी थोड़ा एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं, नानी को भी, नानी तो अपना काम में बिजी रहती है, कॉलेज का, इसका ऑनलाइन क्लास का, लेकिन मैं नानी को टाइम नहीं दे पाती। और इसके बाद संडे को इवनिंग को मम्मी को भी मिलने जाते हैं मैं, तो मम्मी को भी मिलने जाऊँगी, सोचती हूँ उसके लिए कुछ खाने के लिए भी लेके जाऊँ। ये बकरी ऐसा ताकना पड़ता है। हाँ, मैं आपको दिखा देती हूँ बकरी को ना हमेशा ऐसा तापना पड़ता है। बकरी आइटम सब ऐसे ही बनते हैं। मेरा बकरी का एक नया आइडिया भी मैंने बताया था मेरे वीडियो पे पहले, राइस रोटी का। तो अभी हो गया, अभी मैं डाल देती हूँ तवा पे, इसको पर अभी पानी मारना है, तो इसको पर थोड़ा सा ऐसा पानी से पक के अच्छे से। तो अभी इस घर में बकरी बना के दूसरा घर जाऊंगी, दूसरा घर से फिर घर पे। अच्छा, मैं सोचती हूँ मम्मी के लिए कुछ खाने के लिए लेके जाऊँ, और नानी भी बोल रही थी उसको कुछ चीज़ चाहिए खाने को, कल तो उसका फरमाइश था खाने का चीज़ चाहिए, अम्मा मेरे को लेके आओ, वही लेके। आज मैं ना रुमाल भूल गई सुबह का टाइम में, बहुत पकड़ हो गई हूँ मैं,
कभी रुमाल बोल जाती, कभी मास्क बोल जाती, क्या काम में पैसा रहा इस समय। सब बोलते तुम हंसते हंसते कैसे रहते हो काम पे, हमेशा कैसे तुम हंस सकते हो ऐसा। तो मेरा स्वभाव है हंसने का, मेरे को रोना तो आता है लेकिन वो रोने में भी कभी कभी हंस जाऊँगी यानी हंसने आ जाता है, क्योंकि मैं मेरा वजह से किसी और को मैं हर्ट करना नहीं चाहती। मेरा जो दर्द है मेरे पास है, मैं शेयर ज़रूर करती हूँ लेकिन किसी को रुलाने का ये नहीं करती। वो रोते होंगे तो मेरे वजह से हंसना चाहिए, वो मेरा सोच है। अरे मैं हमेशा हंसती हूँ, मैं जो भी दिया है मेरे को मेरा भगवान ने तो उसी में मैं खुश हूँ। मैं मेरे को कोसने के लिए पहले सोचना पड़ता है, इतना तो ज़रूरत नहीं क्यों कोसने का, जो है उसी में एडजस्ट करना सीखना चाहिए। तो हमें मेरा आदत है, मैं रो रो के किसी को खाना बना के खिलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हंसते मुस्कुराते तो ऐसा खाना खिलाएगा, सामने वाले को भी खाने को मन करेगा। और कुछ मेरा स्वभाव ऐसा है, सच बोलो तो मुझे हंसना, मेरे को हमेशा खुश रहना अच्छा लगता है। ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है रोने के लिए, रो के भी हो गया है बहुत, क्यों रोते रहने का। जो है वो ज़िंदगी जियो, एंजॉय करो लाइफ को जैसे भी दिया है भगवान ने। तो हो गए ये बात, ऐसे ही है। कल वीडियो बनाते बनाते उसका बहन का दीदी का नाम है सती का फोन आया था, वो भी अच्छी है सब अच्छे हैं। फिर देखते जाने को तो मन करता है लेकिन जा नहीं सकते ना, मिलने के लिए भी वो नहीं आ सकती। जैसन छोटा है, जैसिका का स्कूल है, नेल्सन घर पे काम करता है, ऑफिस का काम तो पॉसिबल नहीं है इसको। और मेरे को यहाँ अभी इतना जल्दी छुट्टी मिलना भी मुश्किल है, जाएगी तो कम से कम 8 दिन तो लगेगा या 4-5 दिन, तो फिर ये सब लोगों का खाने का क्या होगा। इसलिए आज संडे है ना, सब घर पे है। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, आप लोग से बातें कर रही हूँ। सब अच्छे हैं सब, कभी कभी होता है हम लोग में से झगड़ा, कुछ गुस्सा कि लेट हो गया तो गुस्सा, कभी कभी नहीं आया छुट्टी हो गया तो, उसके लिए भी कभी कभी होता है। सब काम में ऐसा होता है, नहीं कि नहीं होता है, सब काम में होता है वैसा। बड़े बड़े ऑफिस में भी होते हैं तो हम तो घर काम करने वाले थे, हमारे साथ तो हो गई वैसा, कुछ बुरा नहीं। जब वो बोलते लेट, मेरे वजह से और लोगों को लेट हो जाना, किसी को ऑफिस जाना रहता है, किसी को कहीं और जाना रहता है, मेरे वजह से उन लोग वो रहेंगे इंतज़ार करके। लेकिन क्या करो, ट्रैफिक इतना है, ये भी बकरी रही वो गेरेड़ी, ट्रैफिक इतना है कि आधा 20 मिनट तो ट्रैफिक नहीं लगता, यहाँ आने जाने के लिए 15 मिनट तो लगता ही है, घर से आधा घंटा, कि दूसरा बिल्डिंग से ये बिल्डिंग में 15 मिनट, और ट्रैफिक मिल गया तो आधा घंटा, फिर तो मेरी बाटी लगती है। तो इस तरह ऐसे बकरी तीनों भी हो गया, करती हूँ बाकी का काम, करते जाते फिर अपनी करती हूँ। तो मैंने बनाया ये रायता के लिए, ये कढ़ाई पुलाव, अरे मेथी की सब्जी, ये दाल, डब्बा लगा कर रख देती क्योंकि मेरा काम इधर हो गया। और ये अंडा भुर्जी थोड़ा सा जस्ते नहीं, तो ये था तो इधर का हो गया काम। अभी जा रही है मैं दूसरा जगह, लाइट फैन सब बंद करके, तो वापस कल आऊँगी। अभी फिर मिलती हूँ, अभी जाना है दोस्त तीसरा चौथा घर पे, बाय। अभी मैं जा रही हूँ, दोपहर का टाइम है, तो आज सोच रही हूँ थोड़ा मार्केट में जाओ, माँ के लिए भी थोड़ा खाने को ले दो स्नैक्स,
लाइनिंग खुले भी। तो अभी मैं चलती हूँ, लगता है बारिश आ रहा है, रेनकोट पहनना पड़ेगा, हवा ठंडा है। कती कती बारिश हो, अभी रेनकोट सब पहन के निकलूंगी तो फिर मिलूंगी। गाड़ी में सब लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो वो था साउथ इंडियन शॉप, वो हमारे घर के थोड़ा पास ही है, वहाँ बहुत सारी साउथ इंडियन अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। मोस्टली कुछ हमें लेना हो स्नैक्स तो हम वहाँ से ही लेते हैं। वो एक मलयाली शॉप है पर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। आप जो शॉप आपने देखी थी वैसी आप ऑलमोस्ट आप साउथ इंडियन में जाओगे ना तो सभी नॉर्मल जो शॉप होती है दुकान जैसे हम जहाँ से हम सब कुछ ले सकते हैं तो आप साउथ इंडियन में जाओगे तो एग्जैक्टली वैसी ही दिखती है। वो शॉप में जब जाती हूँ ना तो ऐसे वो साउथ इंडिया की वाइब आती है। मोस्टली लाइक मैं चेन्नई में, हाँ चेन्नई में तो ऐसे ही दुकान होती थी, मैं चेन्नई में बहुत ज़्यादा जाती थी बाहर सामान लेने के लिए तो तभी वैसी ही शॉप होती थी। तो मुझे वो देख के वो भी याद है, हमेशा मम्मी जाती है, मैं ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि मम्मी को और ज़्यादा पता है उसके बारे में। तो मम्मी ने दो तीन चीज़ें लाई है वहाँ से, दिखाती हूँ मैं अभी। मम्मी अभी रेस्ट कर रही है आने के बाद तो अभी दिखाती हूँ कि क्या क्या लाया है करके। तो मम्मी ने लाया था पूरन पोली, ये तो साउथ इंडियन नहीं है पर वहाँ पूरन पोली अच्छा मिलता था, मम्मी पैकेट वाला लाई। और ये लड्डू, ये बहुत टेस्टी होता है, जिस फेवरेट लड्डू मम्मी का और मेरा दोनों का। और इसके बाद ये बन, ये तो नॉर्मल बन है बट इट्स कोकोनट फ्लेवर बन, बहुत टेस्टी लगता है, 10 रुपये का मेरा वाला, तो मैंने खा भी लिया है मम्मी का। और दिस इज़ माई फेवरेट अदर असम, जो कल मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी फाइनली मम्मी ने लाया। एक दो पैकेट लाया था, एक पैकेट खा लिया और ये नानी को दिया और चकली वकली भी नानी को दिया। नानी का भी, नानी घर पर है तो वो तो निकाला नहीं, तो जस्ट अभी जो हमारे घर में आया वो मैंने आपको दिखाया और भी नानी को भी स्नैक्स लिया था। तो ये था आज का वीडियो, इट्स संडे, मम्मी फुल चिल कर रही है, कुछ व्लॉग करके फ़ायदा नहीं है, मम्मी बस एक जगह पे बैठ के अपने फ़ोन में वीडियोस इंजॉय करती है और रेस्ट करती है। तो मैं भी उनको कुछ डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, जो चाहिए मैं उनको दे देती हूँ। तो आज रेस्ट है तो उनको रेस्ट करने दीजिए और जैसा मैं भी रेस्ट ही कर रही हूँ, ऐसे भी हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और रेस्ट करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।